अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू परवीन्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी आप सब ठीक हो गए। आज ईद का दिन है, सबों को बहुत बहुत मेरे तरफ से ईद मुबारक। आज जो भी मैंने बनाई हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर देखें। अगर इसकी रेसिपी चाहे ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेरे ईद के डिशेज़ जो अपने लोगों के साथ मैं अपने घर वालों के साथ इंजॉय करने वाली हूँ, आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाए और ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। और ये है लड्डू जो मैंने बनाई हूँ, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हूँ और दिवाली स्पेशल में आप लोग को अगर चाहे तो उसमें देखकर बनाइए। और ये है मैंगो डिलाइट जो मैंने घर में बनाई हूँ, अगर इसकी रेसिपी चाहे ज़रूर कमेंट करें। ये थे सारे मीठे डिश, अब मैं तीखे डिशेस बताती हूँ। ये है शामी कबाब और ये है नमकीन बिस्किट्स, देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, ये तो मैंने बाज़ार से लाई हूँ। और ये है चने का लगड़ा, और यह है चूड़ा। ये थे टिक्के चीज़ें, देखिए साथ में उसके बनाई हूँ फालूदा। तो ये थी मेरी आज की ईद की प्रिपरेशन। दूसरा माँ तुमको क्या चाहिए? लो ये लड्डू बनाए ना, क्या इसका? ये मैंगो डिलाइट। हाँ डिलाइट, अभी एक खाती हूँ। हाँ अभी मैं गिलास में क्या है वो बस मस्त है यार, मेरा फेवरेट लग रहा है जो मैं ले रही हूँ। ये सारे जो थे वो मेरे गेस्ट थे, आप लोग ने देख चुके हैं किस तरह हमने मनाया ईद अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं लंच का तैयार करती हूँ कि क्या मैंने लंच को बनाई हूँ, तो अब मैं लंच का आपको नेक्स्ट जो है वो बताऊँगी। ये जो है मैंने लंच टाइम के लिए बनाई हूँ, ये वाइट राइस है और सैलड है और ये फ्राई गोश्त। फ्राई गोश्त तो ये मैंने बनाई हूँ काली मिर्ची का, जो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर दूंगी। और ये है कोरमा, तो ये मैंने लंच टाइम के लिए बनाई हूँ, आप लोग भी ज़रूर देखिए। मैंने ईद की ये प्रिपरेशन तैयार की थी, ज़रूर आप लोग इन्जॉय करें और ज़रूर मुझे कमेंट करें और
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में।